गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो कल हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। 5.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक करने हैं, 9 से लेकर 12 तक आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप हम आते हैं 5.2 में। तो एक्सरसाइज 5.2 का थोड़ा सा बेसिक समझें। क्या कहता है वो कि 5.2 एक्सरसाइज में अगर मेरे पास कोई एपी है 5, 10, 15, 20 लाइक दिस, और मैं आपसे कहता हूँ कि इस एपी की 50th टर्म निकालो, 50th। तो अब मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोला था कि जो नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, जो प्रीवियस टर्म है उसके अंदर डी ऐड कर देते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है। तो अब मैं इसमें 20 में 5 ऐड करूँ, 25, फिर ऐड करूँ 5, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी टर्म कैसे निकालें। तो उन्होंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे दिया। वो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल a प्लस में n माइनस के 1 डी। ये शॉर्टकट फॉर्मूला दे दिया। इस फॉर्मूले के अंदर a क्या, इसको a को क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, b क्या है कॉमन डिफरेंस, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास वो टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मुझे 50th टर्म निकालनी है तो n कितना हो जाएगा 50, a क्या हो जाएगा 5, और d क्या होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा a d। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सोल्व करनी है। जैसे 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर एक टेबल बनी हुई है, आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए टेबल बनी हुई है। इसके अंदर a क्या गिवन है 12, d क्या गिवन है 3, और n क्या गिवन है 9। tn निकालना, tn या फिर an दोनों सेम है, क्लियर है आपको। मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपके पास a क्या गिवन है, a गिवन है 12 और d क्या गिवन है 3, n क्या गिवन है 9, और a की n क्या करना आपको फाइंड आउट करना है, ये करना फाइंड आउट। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस के 1 डी। an फाइंड आउट करना है तो a कितना हुआ 12 प्लस में n कितना है 9 में से बन गया 8, मल्टीप्लाई में डी कितना है 3, तो 12 प्लस में 24, 36 क्या आ जाएगा उसका an आ जाएगा। तो ऐसे फाइंड आउट करना है an। मान लो कुछ पार्ट में क्या फाइंड आउट करना n, ये थर्ड पार्ट है तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट में a क्या दे रखा है 7, d क्या है 3, और an दे दिया 88। तो ए एन दे रखा है 88, ए दे दिया मेरे पास 7, और डी दे दिया 3, एन फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट। तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको एन, इसमें ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस के 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी हुई 88, ए कितना हुआ 7 प्लस एन माइनस के 1, तो n माइनस के 1 कितना हो गया, n फाइंड आउट करना है, d कितना हो गया 3। तो अब आप देख सकते हो 88 माइनस के 7, तो n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 3, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 81 n माइनस के 1 इंटू में 3, n माइनस के 1 इक्वल टू कितना आएगा 81 अपॉन में 3। यहाँ से 3 2 6, 3 7 21, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 28 आ जाएगी आपके पास। तो इस टाइप से आपने n निकालना है।
ठीक है। तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन निकालना है, सेम वैल्यू है, वैल्यू पुट करनी है आपने। और थर्ड में भी क्या, ट्वेल्थ टर्म निकालनी है, ए दे दिया, यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं, एन कितना दे दिया, ट्वेल्थ दे दिया। तो इस टाइप से आप अपने मैथ की क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक सोल्व कर सकते हो। आज आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर फोर तक सोल्व कर लेने हैं। किसी बच्चे को 5.1 और 5.2 के फोर क्वेश्चन तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कल को व्हाट्सएप पे क्लास लगेगी, जूम ऐप पे क्लास लगेगी, तो जूम ऐप क्लास ज्वाइन करें और अपने प्रॉब्लम वहाँ पर शेयर करें। ओके, थैंक यू।